हेलो एंड वेलकम टू यूनिक जानकारी। आज के इस वीडियो में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 का जो असाइनमेंट 4 है उसका जो राइट आंसर्स होंगे हम इसको बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल यूनिक जानकारी पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो हमारे रेगुलर आने वाले वीडियोज़ होंगे जल्द से जल्द आपके पास पहुँचती रहें। तो जो वीक 4 का असाइनमेंट 4 है इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे एक केस दिया हुआ है। इन स्टडी S1 इट वॉज फाउंडेड व्हेन द प्राउस ऑफ प्राइस ऑफ 125 ग्राम टूथपेस्ट वॉज इंक्रीज बाय ₹10। द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट वेंट डाउन बाय 3%। इन अनदर स्टडी S2 इट वॉज फाउंडेड परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ हर्बल टूथपेस्ट एंड परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ ग्रीन डिजाइन हैज बीन नियरली सेम ओवर द लास्ट 5 years। The finding of a study 1 S1 is an example of dash and the finding of a study 2 S2 is an example of dash। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा कैजुअलिटी और कोरिलेशन। तो इसको आप लोग को टिक कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन होगा। फिर दो नंबर क्वेश्चन है, रेस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ टिसोटोमस स्केल। तो जो दो नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, डू यू ओन ए टू व्हीलर। फिर थ्री नंबर क्वेश्चन की बात करें, मेजरमेंट ऑफ डैश स्केल्स हैव फिक्स जीरो एंड अलाउज कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। तो जो तीन नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ई नंबर ऑप्शन होगा ऑर्डिनल, इसको आप लोग को टिक कर लेना है। फिर चार नंबर क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स वांट टू लॉन्च अ न्यू कार, इट डिसाइडेड टू होल्ड अ फाइनल डिस्कशन ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट टू सेलेक्ट व्हाट फीचर्स द न्यू कार मस्ट हैव। The selection of the experts is expected to follow। तो जो चार नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा जजमेंटल सैम्पलिंग, इसको आप लोगों को टिक करना है। फिर पांच नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस कंज्यूमर्स अटैच टू ईच ऑफ द डिफरेंट फीचर्स लाइक कैमरा क्वालिटी बैटरी लाइफ etc। द टाइप ऑफ मल्टी वेरिएट एनालिसिस दैट वुड बी मोस्ट सूटेबल इज। तो जो पांच नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन होगा कंजॉइंट एनालिसिस, इसको आप लोग को टिक कर लेना है। फिर छह नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनोवा। तो जो छह नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, द नल हाइपोथेसिस इज दैट ऑल मीन्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स आर इक्वल। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ ANCOVA। तो जो सात नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, इसको आप लोगों को टिक करना है। फिर आठ नंबर क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर देयर इन ए ग्रुप यू विल बी यूजिंग है। तो जो आठ नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा नॉमिनल स्केल, इसको आप लोगों को टिक करना है। फिर नौ नंबर क्वेश्चन है, इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन। तो जो नौ नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। फिर दस नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ए मीन इज। तो जो दस नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन हैव वैल्यूज दैट फॉल इनटू द इंटरवल। इसको आप लोग को सारे असाइनमेंट वीक 4 के असाइनमेंट का 10 क्वेश्चन सम करा दिए हैं, इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यह जो वीक 4 का असाइनमेंट है सबमिट हो जाएगा। तो इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन सही लगे तो उसी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। मेरा आंसर्स में भी एक या दो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, सो आप लोग आंसर्स अपने आप से कीजिए। थैंक यू।